24 मई को रात 11 बजे के आसपास हमारे एक व्यापारी हैं यहियागंज, उसे 3.5 लाख रुपए की लिमिट जब वो अपने दुकान से घर जा रहे थे, 4 लोगों द्वारा की गई थी, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर। गंभीर घटना थी, इसलिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया कि इस घटना का तत्काल अनावरण हो और सभी अभी गिरफ्तार किए जाएं और लूटे गए माल की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर सर के आदेश के अनुपालन में कई टीमें गठित की गई, जिसमें कमिश्नर सर की क्राइम ब्रांच, DCP वेस्ट की क्राइम ब्रांच, थाना वजीरगंज, इसके अतिरिक्त अन्य थानों से भी 2 टीमें बनाकर कुल 6 टीमें इसमें डिप्लॉय की गई इस घटना के अनावरण के लिए। टीमों द्वारा परंपरागत और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया, मुखबिरों का संजाल फैलाया गया और कल घटना का अनावरण करते हुए आज प्रातः 2 अभियुक्तों क्रमशः नवीन वाजपेयी जो वर्तमान में मड़ियाव थाना क्षेत्र में निवास करते हैं और गोपाल द्विवेदी जो कुंडरी रकाबगंज के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी जो पहले ही कुछ दिन पहले थाना अलीगंज क्षेत्र से चुराई गई थी, जिसके संबंध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत है, तथा लूट के कुल 1,22,500 रुपये बरामद किए गए। अभियुक्तों ने पूछताछ पर यह बताया कि गोपाल द्विवेदी पहले जो व्यापारी हमारे वादी हैं इस घटना के, उनकी दुकान पर ये काम करते थे, लंबे समय तक काम किया था और दुकान मालिक के सभी गतिविधियों के बारे में पूरी तरीके से ये भिज्ञ थे। वर्तमान में वहाँ से काम छोड़ने के बाद ये चारबाग क्षेत्र में किसी चाय की दुकान पर काम करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।